भैया व्हाट्सएप के इस दो कौड़ी के प्राइवेसी पॉलिसी के लाने के बाद, व्हाट्सएप के इस छुच्छरपंती को देखने के बाद, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, जिसको शॉर्ट में CAIT बोला जाता है, इन्होंने गवर्नमेंट से सीधे सीधे व्हाट्सएप पर बैन लगाने की मांग कर दी है। उनका कहना है कि व्हाट्सएप के ऊपर जो दो कौड़ी का लुच्चा प्राइवेसी पॉलिसी लाया गया है उस पर जल्द से जल्द रोक लगनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि व्हाट्सएप ने अपने दो कौड़ी के प्राइवेसी पॉलिसी में क्या अपडेट किया है, कैसे आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, उसके लिए हमने एक वीडियो बना रखा है, प्रॉपर तरीके से हमने अच्छे से बजाई है व्हाट्सएप के। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, साथ ही में आपको आई बटन पे भी लिंक मिल जाएगा, जाके जरूर से देख लीजिएगा। नहीं तो व्हाट्सएप चलाते चलाते कब अपने बिजनेस को वहां पर प्रमोट कर दीजिएगा, कब अपना पेमेंट डिटेल्स वहां पे साझा कर दीजिएगा और आने वाले टाइम पे आप कंगाल हो जाइएगा। इसलिए भैया जाके वीडियो देख लेना। ऐसे मुंडी लाओ और बोलो अच्छा है, अच्छा है। भाई साहब, कारोबारियों के संगठन CAIT ने व्हाट्सएप की इस दो कौड़ी के लुच्चे कानून के ऊपर, लुच्चे प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर सीधे सीधे आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि व्हाट्सएप की इस नई प्राइवेसी पॉलिसी के हिसाब से जो भी इसके यूजर्स होंगे उनका डेटा किसी भी उद्देश्य के लिए, चाहे वो सही हो या फिर गलत हो, उनके लिए इस्तेमाल कर सकती है। और इसीलिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद को CAIT ने खत लिखा है। उन्होंने कहा है कि भैया देखो, व्हाट्सएप की जो दो कौड़ी की प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट आई है उसके ऊपर तुरंत रोक लगनी चाहिए और साथ ही साथ व्हाट्सएप और उसके बाप मतलब फेसबुक, उसके ऊपर तुरंत बैन लगना चाहिए, क्योंकि भारत के अंदर में इसके बहुत ही ज्यादा यूजर हैं और ऐसे में जबरन इनका डाटा इकट्ठा करके किसी भी उद्देश्य के लिए यूज करना ये भारत की अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा के लिए भी खतरा साबित हो सकती है। और आपकी जानकारी में बढ़ोतरी के लिए आपको दो कौड़ी का और ज्ञान दे देता हूँ, ज्यादा नहीं दूंगा नहीं तो मेरे पास भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, फेसबुक को इन्होंने इसलिए टारगेट किया है क्योंकि फेसबुक व्हाट्सएप का बाप है। हाँ, आपको पता होना चाहिए कि कुछ टाइम पहले ही फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया है और अभी जो नई प्राइवेसी पॉलिसी आई है व्हाट्सएप की तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हम जो भी आपसे डेटा इकट्ठा करेंगे, बाबू सोना जादू टोना गुच्चू पुच्चू, जो भी बिजनेस से रिलेटेड जो भी आप बातें करेंगे, आपके फोन में क्या कर रहे हो आप, कितना परसेंट बैटरी है आपका, फोन कौन सा है, आईपी एड्रेस क्या है, सारी चीजें हम डेटा इकट्ठा करके हम अपने बाप के साथ मतलब फेसबुक के साथ और साथ ही साथ उनसे जो भी जुड़ी कंपनियां हैं यानी व्हाट्सएप के साथ में, उनके साथ में हम शेयर करेंगे और तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हम करेंगे। और अगर तुम्हें यूज करना है ना तो इस चीज को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा अकाउंट डिलीट मार के हम लात मार के निकाल देंगे। अच्छा, और अब एक और जानकारी आपको दे देता हूँ कि तुर्की के राष्ट्रपति व्हाट्सएप की इस दो कौड़ी की प्राइवेसी पॉलिसी को देखने के बाद उन्होंने व्हाट्सएप को छोड़ने का फैसला कर लिया है और वहां के लोग अब वहां की एक तुर्की की ही एक एप्लीकेशन है BIP नाम करके, उसके ऊपर सारे के सारे लोग कन्वर्ट होते जा रहे हैं, व्हाट्सएप को लोग छोड़ रहे हैं। और अब है आपकी बारी, आप हमें जरूर बताइएगा कि आप इस नई प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में क्या सोचते हैं और हमारे इंडियन गवर्नमेंट को आप क्या सजेशन देना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही में चैनल पर नए हैं ना तो इस तरह की फन वे में सारी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को टंटना दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और भैया इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा हमें, चलिए फॉलो ना सही कम से कम मैसेज करके दो चार बातें कर लीजिए। कर लो यार नहीं।